खान हो जी, और सुल्तान के जो जोड़ीदार हैं तलविंदर तिंदा, उनको हमने एक बार भी नहीं देखा। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद की बहुत बहुत मजबूत पकड़, एक और स्टंप पॉइंट मिल जाएगा लाहौर लायंस को, और इसी के साथ इस क्वार्टर की समाप्ति होगी। क्या जबरदस्त क्वार्टर, और कहना होगा स्टॉप लाइन दोनों टीमों की बहुत ही मजबूत, यही मजबूत कड़ी है दोनों टीमों की। रीडर्स शहदाद जोनालिका ट्रैक्टर्स के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और साथ साथ वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, साथ साथ कमिश्नर प्रगट सिंह, के प्रयासों की वजह से सारा कुछ यहां पे हो पाया। यहां पे देखिए क्या प्रयास कर रहे हैं मोहसिन वाला, जी हां जबरदस्त, सुल्तान उनके सामने है, मोहसिन यहां पे पूरी तरह से पकड़ बना चुके हैं, यहां पे एक और स्टॉपिंग का अंक मिलेगा। दिलचस्प चीज ये कि जावेद जो कि आज कप्तान है अभी तक एक स्टॉपिंग नहीं कर पाए, जैसे आप पहले भी कह रहे थे खलील मोहसिन अच्छा कार्य करते हुए अच्छा साथ दे रहे अपने कप्तान का, देखिए किस प्रकार पकड़ बना के रखी, पाले से काफी दूर रह गए थे सुल्तान। और लाहौर लायंस ने वहीं दो स्टॉप्स कर दिए दोनों मोहसिन के थ्रू। ये इसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, लाहौर लायंस को कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, एक मजबूत टीम है, बेशक कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं पर आज पूरा प्रयास कर रहे हैं, जानते हैं अगर आखिरी चार की रेस से बने रहना है आज कुछ करना होगा। यहाँ पे अब थोड़ी सी मजबूती देखिए, कलाई किस प्रकार जकड़ के रखी है पूरी तरह से पकड़ में, और हरवीर का निकलना बहुत ही कठिन, समय निकल जाएगा मुझे लगता है। ये यहाँ पे एक और अंक मिलेगा लाहौर लायंस को, बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग, कमाल की वापसी है लाहौर लायंस द्वारा। और यही कहना चाहेंगे सभी को कि पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्तों, कहीं मत जाइए, बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ, पिक्चर बाकी है। और उसके हीरो अब क्या मुशर्रफ जावेद अपना पहला स्टॉप कर पाएंगे, जी हाँ चुनौती उन्होंने ही ली है, और बलजीत उनके सामने धक्का दिया है, ऐसा लगता है स्टॉप पॉइंट मिलेगा, जी हाँ मुशर्रफ जावेद की बेहतरीन कोशिश, क्या इसे रेफर करना चाहेगी पंजाब थंडर, ऐसा नहीं लग रहा कि करने वाले हैं, यानी उन्हें पता है कि इस बार गए तो गए। बिल्कुल मुझे लगता है जो निगाहें थी अगर आप देखें यादा की, मैं देख रहा था बिल्कुल बलजीत के ऊपर थी, और उनको स्पष्ट नजर आया कि भार धकेला है, टाइमिंग बहुत बढ़िया थी उस धक्के की, कि इस खिलाड़ी की तरफ कम से कम बारी जाना चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज लगी, जैसे ही इतनी देर में निर्णय हो रहा था और रिप्ले चल रहा था, तुरंत भाग कर आए सुल्तान सिंह और एक भी सेकंड व्यतीत नहीं किया इससे पहले कि रेफरी बतलाते कि आप रेड शुरू करिए, वो अपनी लाइन पर खड़े थे, जिसका मतलब है कि समय का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसी बीच एक रेफरल मांगा है मुशर्रफ जावेद चज्जुआ ने, उन्हें लगा कि सुल्तान जाते जाते उनकी कमीज यानी जर्सी के ऊपर पुल करके जा रहे थे, तो यही सवाल है कि यहाँ पे जर्सी पुल हुआ था कि नहीं। सुल्तान के ऊपर नजर रखिए और मुशर्रफ जावेद के जर्सी के ऊपर नजर रखिए, जी हाँ पहले ऐसा लगा कि एक बार खींचा था, दूसरी बार भी खींचा था कि नहीं, जी हाँ, लेकिन रूल्स के मुताबिक हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक रेडर के पास थोड़ी सी छूट रहती है ना शायद अंजुम? जी हाँ बताया यही गया है कि छूट रहती है रेडर के पास, जो छूट स्टॉपर के पास नहीं है, बट फर्क पड़ता है।
जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि टीम उनके ऊपर बहुत निर्भर थी। दलजीत एक बार फिर आते हुए, आज उनको मौका मिला है, अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे। 5 बार सफलता उनके हाथ लगी है, 7 बार प्रयोग किया है यहाँ पे 9 नंबर की जर्सी में, क्या यहाँ पे मुश्किल में मशीन एक बार फिर वो स्टॉपर, और एक और अंक मिलेगा लॉर्ड लायंस को। तो बढ़िया जवाब दिया लॉर्ड लायंस की टीम ने, उनके जो कोच हैं वो भी प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए, क्योंकि लगातार 2 स्टॉपिंग कर चुके हैं अब मशीन। गुलाम अब्बास भट्ट साहब जो कि अब कोच हैं इस लॉर्ड लायंस टीम के, और कई शागिर्द हैं उनके अब इस टीम में मौजूद। और अपने दोस्तों के साथ पिज्जा खाना बहुत पसंद करते हैं, और जरूर आज अगर वापसी करवा पाए लाहौर लायंस के लिए, ये बेहतरीन शुरुआत रही है इस क्वार्टर में, तो जरूर पिज्जा मंगवाने की पहल शायद खुद ही करेंगे। और कोच गुरप्रीत सिंह थोड़े से चिंतित, क्योंकि अब तक इस तीसरे क्वार्टर में 2 मिनट का खेल हो चुका है, एक भी स्टॉप थंडर ने नहीं किया। जो भी ट्वीट करते हैं बिल्कुल सही, जिसको कहते हैं स्पॉट ऑन ऑन द टारगेट, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, आंकलन किया कि जो रेड लाइन है वो थोड़ी सी कमजोर है, तो स्टॉप लाइन है लाहौर लायंस की बहुत ही मजबूत। और मुशर्रफ जावेद आगे से लीड करते हुए, एक बार फिर वही हैं जो प्रयास कर रहे हैं, क्या निकल पाएंगे यहाँ पे, मुश्किलें बढ़ती हुई, मुशर्रफ जावेद के हाथों से निकलना इतना आसान नहीं, वो स्टॉपर है, और यहाँ पे लाहौर लायंस को एक और अंक मिलेगा। बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग लाहौर लायंस द्वारा इस क्वार्टर में, यानी कि तीसरे क्वार्टर में, और धीरे धीरे वापसी। देखिए जब भी कोई टीम वापसी करती है ये दर्शाता है कितना कैरेक्टर है, कितना दम उस टीम में है, और लाहौर लायंस ने अभी तक वो दिखाया है। यहाँ पे सुल्तान एक बार फिर बैक पैडलिंग करते हुए वापस आते हुए, प्रतिक्रिया देखिए उनकी, 10 नंबर की जर्सी में कितने खुश रहेगा लाहौर लायंस ने। लगातार हर रोज इस हफ्ते या पिछले हफ्ते भी मैचेस खेले हैं, और उनकी स्क्वाड स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत कम है, सिर्फ मैदान पे आप अगर देखें तो 10 ही खिलाड़ी हैं, और स्टॉपर्स में खासकर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बतौर सब्स्टिट्यूट्स। लेकिन उसके बावजूद मोहसिन जैसे खिलाड़ियों ने क्या आज कमाल का एक प्रदर्शन किया है, एक और धक्का देंगे, एक और स्टॉप पॉइंट ले लेंगे, सिर्फ दूसरे ही खिलाड़ी बने, और सिर्फ तीसरी ही बार ऐसा हुआ है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, तो वो रिकॉर्ड उनके सामने है, एक और अगर कर दे तो नया कीर्तिमान होगा। लेकिन सपोर्ट आज लखा ने जरूर किया है, लेकिन बाकी स्टॉप लाइन से उतना सपोर्ट नहीं मिला है। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद की अच्छी कोशिश, सब मिलता हुआ लाहौर लायंस के पक्ष में, पलटवार इसे कहते हैं अंजुम। अंकों का फासला आपको दिखाई दे रहा है स्कोरबोर्ड पे, लेकिन उसका मतलब है एक स्टॉप अगर कर दे पंजाब थंडर, और जिस टीम में यादविंदर यानी यादा सुरखपुरिया और लखा चीमा जैसे खिलाड़ियों, यहाँ पे देखिए हरबीर थोड़ा सा फिसल रहे हैं, थोड़ा सा डोल रहे हैं, क्या बच पाएंगे मुशर्रफ जावेद की पकड़ से, वो उनके कलाइयों के ऊपर मजबूत पकड़ लगा चुके, कैची भी लगा चुके, एक और सक्सेसफुल स्टॉप यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब कप्तान आगे से लीड करता लाहौर लायंस के लिए, बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है स्टॉप लाइन में। ये देखिए किस प्रकार हरबीर के खिलाफ वहां पे पकड़ बना के रखी, ढेंची टेक्निक का बहुत जबरदस्त प्रयोग। अभी भी 4 मिनट लगभग बचा है, तो ज्यादा पूर्वानुमान करना सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर लाहौर जीते तो आपको याद दिला दे उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बची रहेंगी, क्योंकि 18 मैचेस से उनके 16 अंक होंगे, और वो वैंकूवर लायंस को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि उनसे बेहतर है उनका पॉइंट्स डिफरेंस। तो 2 बहुत बहुत बड़े सवाल लाहौर लायंस के सामने आज थे, जीतना था और अच्छे स्कोर से जीतना था, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप बनता हुआ पंजाब थंडर के लिए। और रान अली शान जो कि भोपाल में चोटिल हुए थे, अब मैदान में आए और आते ही कमाल करते हुए, ये देखिए पांपा क्या सिचुएशन है, जैसी देखा कि धक्का देने में सफल रह सकते हैं वही करते हुए, और एक महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ पंजाब थंडर टीम को। अभी बड़ा लाहौर लायंस के लिए सुल्तान ये रेट मिस नहीं कर सकते, अगर मिस करेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, और यहाँ पे डबल टच के कारण एक अंक मिलेगा पंजाब थंडर की टीम को, और यही इशारा करते हुए ऑन फील्ड रेफरी। पंजाब थंडर पहले इसी मैदान पे शिरकत कर चुकी है एक टाइड मैच में, यहाँ पे भी एक टाई देखने को मिल सकता है, अगर हो तो तीसरा मैच होगा, और यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं कैसे 2 टच हुए थे, एक वक्त पे मोहसिन और नईम दोनों ने छुआ था सुल्तान सिंह को, कबड्डी के नियमों के अनुसार ये इस फॉर्मेट में बिल्कुल अलाउड नहीं है।
मोहम्मद खान, उनके सामने चार स्टॉपर्स, उनमें से राणा आलीशान जो कि वेल रेस्टेड हैं जैसा कि अजय ने आपको बताया, लेकिन फिसलन जरूर महसूस करेंगे और वो उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। याद रखिए जी, आपको याद दिला दे कि हाफ टाइम पे 14 अंकों से पिछड़ रही थी ये टीम, उसके बाद इतने अच्छे फासले से अगर जीते, यहां से जीतेंगे तो शायद 7 या 8 अंक से जीत सकते हैं, 5 अंक से भी जीत सकते हैं। ये आखिरी रेड रहेगा, इसमें भी सक्सेस और 63-55 से लाहौर लायंस ने फिर से